नमस्कार, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल जिला सचिवालय से, जहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे यहाँ पर जो है, कॉलेज के बच्चे यहाँ पर जो हैं पहुँचे हुए हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आखिरकार क्या इनकी डिमांड है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे आप। मेरा नाम रवि शर्मा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ। गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो करनाल के अंदर है, उसमें 2 दिसंबर 2020 में सेशनल होने थे जो कोरोना काल में थे, जबकि ये ऑर्डर थे कि ऑनलाइन सेशनल हो, परंतु सेशनल को कॉलेज प्रशासन ने अपनी मनमर्जी से आगे करते करते मार्च तक ले आया। अब उनके ऊपर जब सिर पे डंडा आया कि उन सेशनल्स को लेना है, तो उन्होंने 3 की जगह पहले तो 2 सेशनल किए। उसके बाद जो 2 सेशनल किए तो उनमें से वो ऑफलाइन विकल्प दिया, ऑनलाइन का विकल्प किसी को दिया ही नहीं। शिक्षा हुई, उसके बाद आपको पता है कि कल 54 केसेस सैनिक स्कूल के अंदर कोरोना के आए हैं। तो उसके बावजूद छात्रों को बुलाना और एकत्रित करना कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो जाएगी बच्चों के लिए। तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन ले लें आप, जब तक स्थिति ठीक नहीं होती उसके बाद अगर आपने लेना, क्योंकि बच्चे कहते हैं आगे पोस्टपोन कर देते हैं। अगर वो पोस्टपोन करते हैं तो उस कारण पोस्टपोन करने से बच्चों के ऊपर और बोझ पड़ता है, क्योंकि जून जुलाई में इनके फाइनल एग्जाम्स भी हैं। उस स्थिति में वो ऑफलाइन देने के लिए तैयार हैं अगर स्थिति सही होती है। हमारी अब की यही डिमांड है कि ऑनलाइन जो परीक्षा है इस वक्त जो सेशनल है वो लिए जाएं बच्चों। स्कूली बच्चे भी पहुंचे थे यहाँ पे, स्कूली बच्चे पहुंचे थे, कुछ विद्यार्थियों का हमें उनसे नहीं अभी पता। हमारा जो फार्मेसी कॉलेज के बच्चे हैं, हम उनके कॉलेज के बच्चों के हिसाब से। अभी क्या आपकी बात हुई है डीसी साहब से? डीसी साहब बहुत व्यस्त हैं, अभी किसी मीटिंग में बैठे हैं। जैसे ही वो आएंगे हम उनको मेमोरेंडम देंगे। सीटीएम साहब आए थे, बट हमने पहले भी मेमोरेंडम दे चुके हैं, तो हमें कोई कार्रवाई लगी, इसलिए हम डीसी साहब को मेमोरेंडम देना चाहते हैं। हम भी फार्मेसी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्र हैं दोनों, सभी हैं। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी जो कॉलेज के छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी बात को आगे रखते हुए फिलहाल नज़र आ रही हैं। और वहीं दूसरी ओर जिला उपायुक्त से यहाँ पर बात की जाएगी, आश्वासन अवश्य दिया जाएगा। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, जब हमारी क्लासेज ऑनलाइन चली है, तो हम चाहते हैं कि हमारे सेशनल और जो एग्ज़ाम हमारे वो ऑनलाइन ही हो। तो आप देख लो कोरोना के इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इससे हमारे को भी डर है, हमारे पेरेंट्स को भी डर है, तो इससे हमारा है जो है हमारी भी दिक्कत है, कॉलेज वालों को भी दिक्कत है। तो सर, जो हम चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो। जी आप बताइए। जी, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे आए। डी साहब का हमारा 4 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, हमारी कोई किसी ने नहीं सुनी, हम पहले भी विज्ञापन दे चुके हैं। हम ये चाहते हैं हमारी ऑनलाइन क्लास से लगी हैं, तो ऑनलाइन क्लास के हिसाब से हमारे ऑनलाइन पेपर हो। स्कूली छात्र भी आए थे? हाँ जी, स्कूली छात्र भी आए थे, पर हम डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स आए। उनकी क्या डिमांड थी? ऑनलाइन की। तो आप ये देख सकते हैं कि भले ही कॉलेज के छात्र हो, भले ही स्कूल के छात्र हो, डिमांड यही आ रही है कि ऑनलाइन जो है परीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि लगातार जो है करनाल की अगर हम बात करें तो कोरोना के केसेस जो हैं बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 54 केसेस कल आपने देखे थे, और आप ये देख सकते हैं उसी के चलते विद्यार्थियों की यही मांग है कि जल्द से जल्द जो परीक्षा है वो ऑनलाइन की जाए। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।